नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचोत्रा। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके शव को हथियारे पटौदी के लोकरा कपड़ी वाली रोड पर सड़क किनारे फेंक गए। मौके पर ही गोली का खाली खोल भी मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पटौदी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं गुरुवार की सुबह पटौदी पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव लोकरा कपड़ीवास रोड पर सड़क किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने जाकर देखा तो उस शख्स की कनपट्टी पर गोली लगी हुई थी। सूचना के बाद पटौदी एसीपी हरेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके से एक गोली का खाली खोल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव की जेब की तलाशी ली तो उसके दस्तावेजों के हिसाब से उसकी पहचान राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड कस्बे के गांव श्यामपुरा निवासी राकेश गुज्जर के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने राकेश के परिजनों तक सूचना पहुंचा दी है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर राकेश पटौदी में कैसे पहुंचा और उसकी हत्या किसने की है। वहीं पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से भी देख रही है। एसीपी हरेंद्र शर्मा का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पूरे मामले की बारीकी से जाँच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, आगामी कार्रवाई जारी की गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।